महाबैठक में आखिरकार लग ही गई मुहर। नीतीश कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी, अब बिहार के मुखिया की आई दिल्ली जाने की बारी। न राहुल, न ममता, न केजरीवाल, नीतीश कुमार ही होंगे लोकसभा चुनाव के प्रधानमंत्री उम्मीदवार। तेजस्वी लालू ने भी इंजीनियर बाबू को ही बनाया दावेदार। 15 दल 20 नेता, नीतीश ने बुलाई बैठक, टेबल पर हुई खूब लड़ाई। ममता, केजरीवाल और राहुल सब ने सबकी शिकायत लगाई। आज देश की सियासत का सबसे बड़ा दिन है, सबकी नजरें बिहार पर टिकी हैं, जहां 15 दलों के प्रमुख अपने सबसे बड़े मकसद को अंजाम देने पटना पहुंचे, जहां बीजेपी को पटकनी देने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया जाना था। इस बैठक में वो फैसला लिया गया जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी, खास तौर पर नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसका जवाब मिल गया है। सीएम हाउस में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बातचीत हुई, तमाम नेताओं के बीच मंथन हुआ। वहीं इस दौरान एक अहम फैसले पर भी मुहर लगी। तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक साथ मिलकर नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा दी है। खबर है कि नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बनाया जा सकता है। अब नीतीश कुमार को सभी दलों को जोड़ने की खास जिम्मेदारी दे दी गई। महाबैठक में नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों से कहा कि लोकतंत्र बचाना है तो साथ आना जरूरी है। वहीं राहुल गांधी ने भी विपक्ष से अपील की। उन्होंने कहा कि साफ दिल से विपक्ष एकजुट हो, ये ना हो कि अंदर कुछ बाहर कुछ कहा जाए। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भी राहुल गांधी से अपील की कि अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस केजरीवाल को सारे गिले शिकवे भुलाकर समर्थन दे। इस बैठक के नतीजे आने के बाद अब कयासों का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया है। खबर है कि सभी इस बैठक में नीतीश कुमार को ही ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। मतलब साफ है कि बिहार में बहार लाने वाले नीतीश बाबू जल्द दिल्ली जाकर बीजेपी के खिलाफ अपनी हुंकार भर सकते हैं। वहीं खबर ये भी है कि आने वाले दिनों में 15 से अधिक दल नीतीश बाबू के इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें नवीन पटनायक का नाम भी सामने आ रहा है। खबर है कि केसीआर भी जल्द नीतीश के साथ जा सकते हैं। वहीं बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द दोबारा बैठक की तिथि भी तय की जाएगी, सभी दल एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस घोषणा के दौरान तमाम विपक्षी दलों के नेता मौजूद थे, सभी ने नीतीश की बात पर भी सहमति जताई। लेकिन इस बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल शामिल नहीं थे, जिस पर कई सवाल उठे। सवाल ये भी उठ रहे कि क्या केजरीवाल को नीतीश को जिम्मेदारी मिलने से आपत्ति है? घोषणा तो होगी, लेकिन क्या वाकई सभी नेताओं के मतभेद खत्म हो गए हैं? इस बैठक के बाद कई पहलू भी सामने आए। एक तरफ राहुल ने बिहार की सराहना करते हुए बैठक को सफल बताया, तो वहीं कई अन्य नेता मायूस दिखे। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार को जब ये जिम्मेदारी दी गई तो उसे वो कैसे निभाकर बीजेपी को धूल चढ़ाते हैं। क्या नीतीश के नाम पर मुहर लगते ही एक और दरार एकता में आ गई? नीतीश बाबू के पास चुनौतियां तो कई हैं, लेकिन उनसे निकलना कैसे है ये सिर्फ वही जानते हैं।